साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल कुछ समय से गुरुग्राम पुलिस को सेक्टर 39 में स्थित गंगा विला नाम के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने बीती रात एक डमी ग्राहक गेस्ट हाउस में भेजा। डमी ग्राहक के साथ जैसे ही गेस्ट हाउस के मैनेजर ने सौदेबाजी शुरू की, पुलिस ने तुरंत छापा मार दिया। सूचना मिली थी कि एक सदर उसके एरिया में, थाने के एरिया में कहीं पर सेक्स रैकेट चल रहा है, जिस पर उसने टीम बनाकर वहां रेड की। उसमें से उसने 12 लड़कियों और 4 लड़कों को अरेस्ट किया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जिनको पेश अदालत किया गया। पुलिस की टीम जब गेस्ट हाउस के अंदर पहुंची तो गेस्ट हाउस के हालात देखकर दंग रह गए। गेस्ट हाउस से पुलिस ने 12 महिलाओं और गेस्ट हाउस के मैनेजर सहित 16 लोगों को सेक्स रैकेट में शामिल होने और चलाने के आरोप में मौके से गिरफ्तार कर लिया। गंगा विला नाम के इस गेस्ट हाउस में देह व्यापार का एक काला गोरख धंधा पिछले लंबे समय से चला आ रहा था। सेक्स रैकेट के इस गोरख धंधे में शामिल सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी 12 महिलाओं को कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया, जबकि 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन गुरुग्राम में जिस तरह से स्पा सेंटर से लेकर गेस्ट हाउस में देह व्यापार का धंधा जोरों से चल रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय पुलिस और समाज के लिए बनता जा रहा है।